लुधियाना के हल्का सेंट्रल में अमरपुरा इलाके में लोक इंसाफ पार्टी लुधियाना के उम्मीदवार सिमरजीत सिंह बैंस का चुनाव कार्यालय शुरू किया गया, जिसका औपचारिक उद्घाटन जल्दी खुद लोकसभा उम्मीदवार सिमरजीत सिंह बैंस द्वारा किया जाएगा। ये चुनाव कार्यालय जगजोत सिंह खालसा हल्का सेंट्रल इंचार्ज लोक इंसाफ पार्टी के द्वारा खोला गया है। वहीं इस मौके पत्रकारों से बातचीत करते हुए जगजोत सिंह खालसा ने बताया कि जल्दी पूरे इलाके में लोक इंसाफ पार्टी की चुनाव कैंपेन को और तेज किया जाएगा। वहीं इस मौके पर नेताओं ने कहा कि अकाली भाजपा सरकार ने पिछले 10 साल में कोई काम नहीं किया है, वहीं पिछले 2 साल में कैप्टन सरकार भी उसी रास्ते पर चल रही है। ये सेंटर हल्के का जो इस इलेक्शन का सेंटर हल्के का ऑफिस बनाया गया, इस इलाका वासियों कुछ कहने की लोड़ नहीं, क्योंकि भली चंगी तरह बैंसा जानते हैं। तकरीबन 14,000 इस वार्ड की वोट है, 14,000 वोट में 14,000 बंदे के बच्चे बच्चे के नाम से सरार सिमरजीत बैंसा का नाम मूँह तो रटिया होया, इतने दसन की लोड़ नहीं। ये हुण ऑफिस खोलिया अपने भाईचारे नूं, उत्थे जो किसी दुख तकलीफ है इत्थे इकट्ठे होकर साडे नाल अपने विचार सांझे कर सकदा। सो दफ्तर खोलिया, इहनूं पूरी लीड कमांड की जाती है सेंटर हल्के नूं, तां कि इत्थों इस हल्के तों सिमरजीत बैंस साहब नूं असीं वधिया लीड दवा के असीं भी उन्हां दी जित दा यकीनी पक्की है उहदे विच अपनी हिस्सेदारी पाई जावे। असीं मुख दफ्तर जिहड़ा इत्थे सिविल होस्पिटल के लागे जिहड़ा मार्केट च असीं खोलिया, इत्थे समुचे सेंटर हल्के की संगत नूं और वलंटियर नूं एक्टिव और सारी संगत जिनी भी सेंटर हल्के जी इस राजनीति दे विच इंट्रस्ट रखती है, तो राजनीति दे विच कुछ चेंज चाहती आ, इस दफ्तर दे विच अपने सुझा अपनी सलाह कुछ भी किसी तरह का भी कोई इस हल्के दे विच कोई प्रॉब्लम आ, किसी ने कोई मीटिंग रखानी आ, कोई बैंस साहब के विचार सुनना चाहता, किसी भी तरह की किसी के मन च कोई विचार है, जरूर इत्थे आके साडे संपर्क करन। साडे इस दफ्तर दे विच 24 घंटे तुहानूं जिहड़ा व्यक्ति एक अवेलेबल बनूगा। सो जिन्ना हुंगारा इत्थों टीम दे नाल सारी साडी स्ट्रैटेजी बन गई है, दफ्तर साडे खुल चुके सेंटर हल्के दे विच, डोर टू डोर असी कंपेन चला रहे हैं। उस तो बाद नैक्सट 1-2 दिन तक साडी जिहड़ी मीटिंगां अरेंज हो चुकियां, तो विजिबिलिटी बना के तो आप जी मीटिंगां स्टार्ट कर देनियां जी। मैं सब तो पहला तो जागृति लहर तो मिस्टर अनिल पासी जी तो उन्हां दी टीम जिहड़ी इस दफ्तर दे विच साडे कोले पहुंची है, मैं दिल की गहराई तो इन्हों का धन्यवाद करना, क्योंकि मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल होंदा लोकां दीआं शिकायतां नूं, लोकां दीआं भावनावां नूं और लोकां दे दर्द नूं लीडरां तक पहुँचाउणा, सरकार तक पहुँचाउणा, यह मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल होंदा, ते मैं दिल की गहराई तो धन्यवाद करदा जागृति लहर का जिन्हां ने साडे दफ्तर दे विच आ के लोकां दी आवाज़ नूं और साडी आवाज़ नूं लोकां तक पहुँचाउण दा यतन कीता। बेरोज़गारी दा मुद्दा आपां नूं सब नूं पता कि बेरोज़गारी क्यों वध रही है, किस तरह वध रही है, इहदे की कारण आ। इहदा सब तों वड्डा कारण कि जिहड़ियां सरकारां उह कदे भी कैलकुलेट नहीं करदियां, कदे भी बेरोज़गारी वल ध्यान नहीं दिंदियां कि बेरोज़गारी क्यों वधदी पई है, इन्हां कारणां करके ही बेरोज़गारी वधी क्योंकि सरकार का ध्यान नहीं। जागृति लहर के लिए लुधियाना से अनिल पासी की रिपोर्ट।